इस ज्ञान मार्ग का मुख्य लक्ष्य है कि हम सब ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन जाएं, और जो इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेता है वही अव्वल आता है, अर्थात नंबर वन पहुंच जाता है। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाप ने ये लक्ष्य बहुत जल्दी और सबसे पहले हासिल कर लिया और अव्यक्त हो गए, इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्वल नंबर की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि हमारा जन्म तो ब्राह्मण का हो जाता है क्योंकि हम ब्रह्मा बाप के मुख से बाप के द्वारा हमारा जन्म हो जाता है और ऑलमाइटी बाबा ने हमें ब्राह्मण जन्म दिया। लेकिन क्या हम इतना तेज पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन जाएं? ब्रह्मा बाप ने यह लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल किया क्योंकि पुराने संस्कारों को जितना मिटाते हैं उतना हम फरिश्ता बनते जाते हैं, और फरिश्ता सो देवता बनना तो बहुत ही आसान है। तो तीन बातें मुख्य होती हैं हमें पूरे देहभान पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों को मिटाना होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी पुरानी देह के भान को भूलना, उसके बाद पुराने संबंधों को भूलना जो देहिक संबंध हैं। तीसरा है हम पुरानी छींची दुनिया जो अब खत्म होनी है उसको पूरा ही भूल उपराम हो जाना। तो ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले अपने देहभान को तोड़ने के लिए बहुत अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, इस देह से अलग मैं इस देह को चलाने वाली, इस देह से सुनने और बोलने वाली, मैं इस देह की मालिक, मैं आत्मा हूँ। इसका अभ्यास ब्रह्मा बाप कभी दीवारों पर लिखकर, कभी अपने मानस पलट पर यानी मन पर बार बार उसके संकल्पों को दोहराकर, बार बार आत्मा होने के स्वरूप को इमर्ज करते थे कि मैं ब्रकुटी में बैठी आत्मा हूँ, मैं ब्रकुटी में बैठ इस सारे शरीर को चलाने वाली, मैं बिंदी स्वरूप मालिक आत्मा हूँ। इतना अभ्यास ब्रह्मा बाप चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते निरंतर इस अभ्यास में रहे और उपराम अवस्था में रहते थे। जैसे ही पत्र आए तो पत्रों की शुरुआत करते थे कि बच्ची ने पत्र में क्या लिखा है, और उत्तर में बोलते थे आपका पत्र पाया हर्ष हुआ, यानि आपका पत्र मिला और खुशी हुई, कितने मीठे अनमोल बोल। और ऐसे बोल लिखते ही ब्रह्मा बाप बिल्कुल आत्मिक स्वरूप हो जाते थे, और फिर आगे जो ब्रह्मा बाप को ऑलमाइटी की श्रीमत देनी है वो अपने हाथों से लाल पेंसिल उठाकर श्रीमत लिख देते थे, और यही पढ़ने वाले आत्मा का भाग्य बदल देता था। लेकिन इसका अभ्यास ब्रह्मा बाप
पूरा दिन आत्मिक स्वरूप में चलना, आत्मा होकर कर्म करना और आत्मा होकर विश्राम करते हुए ऑलमाइटी बाबा से बातें करना, यानी आत्मा और परमात्मा के संबंध के अलावा ब्रह्मा बाप को और कोई कार्य नहीं सूझता था। इसलिए ब्रह्मा बाप ने बहुत जल्दी अपने आत्मिक स्वरूप को पक्का कर लिया था। आत्मा होने का अभ्यास ब्रह्मा बाबा को इतना पक्का था कि किसी को भी देखते तो आत्मा ही देखते, किसी से भी मिलते तो ये भी बाबा का बच्चा है इस स्वरूप से मिलते। वाह, कितना प्यारा अभ्यास! सुन सुनकर भी हम सबको ये सीखना चाहिए कि अब हम अपनी इस स्वरूप को, हम भी ब्रह्मा बाप के समान इतना पक्का करें कि हम भी फर्स्ट डिवीजन में आएं, जैसे अव्वल नंबर हमारे मीठे ब्रह्मा बाप ने हासिल किया। और बहुत आत्माएं कर रही हैं, तो हम भी ऐसा 20 नाखूनों का जोर लगाकर इस अभ्यास को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बना लें। दूसरी बात, दैहिक संबंध। ब्रह्मा बाप एक बार गहरी याद में बैठे थे, तुरंत उनको संकल्प आया कि यशोदा जी जो उनकी युगल है वो अब कब गांव से लौटेगी। जैसा ही संकल्प ब्रह्मा बाप को आया तो ब्रह्मा बाप की जो मौज और मस्ती की लगन थी वो टूटने लगी और ब्रह्मा बाप धीरे 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 नीचे आने लगे। तो ब्रह्मा बाप को जरा भी अच्छा नहीं लगा कि कितनी मौज में बैठा हुआ था, ये क्या हुआ, मैं नीचे कैसे आ गया। तब उनको समझ में आया कि किसी भी देह को याद करना, किसी भी देहधारी के संबंध को जोड़ना अपने को नीचे गिराना है, अर्थात अव्यक्त स्थिति से नीचे लाना है। उस दिन से ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प किया कि वो किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। वाह, कैसा दृढ़ संकल्प! और इस दृढ़ संकल्प ने फिर ब्रह्मा बाप को कभी भी अव्यक्त नशे से नीचे नहीं उतरने दिया। एक बार योग में बैठे सो बैठे, याद में खो जाना, परमात्म लगन में मगन हो जाना, योग की अगन को जागृत कर देना, अब ब्रह्मा बाप के लिए बहुत आसान था। और धीरे धीरे उन्होंने सर्वदैहिक संबंधों को समेट लिया। ब्रह्मा बाप को अपने बच्चों की शादी कराने का बड़ा शौक था और 2 बच्चों की कराई भी थी, लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला कि ये अपवित्र कार्य है, तो ब्रह्मा बाप ने फिर कभी संकल्प नहीं किया अपने अन्य बच्चों की शादी के लिए। और ना बाबा ने किसी को रोका, लेकिन इतना कहा कि आपको करना हो तो आप जा सकते हैं, अन्य रिश्तेदार आपकी शादी करा देंगे, ये वाला बाबा नहीं कराएगा। कितना पवित्र दृढ़ संकल्प! तो ऐसे एक एक दैहिक संबंध के कार्य को बाबा ने अपनी बुद्धि से समेट लिया था। दूसरा, बिजनेस करते थे, इतना उनका फेमस बिजनेस था, चारों तरफ नामाचार था और फायदे वाला धंधा कर रहे थे। और उस धंधे में इतना फायदा ब्रह्मा बाप को होता था जो अन्य आत्माओं को इतना नहीं होता था। भल भागीदार भी था,
लेकिन दोनों कमाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि अब मुझे ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, तो बाबा ने इन कंकड़ पत्थरों को ऐसा समेट लिया जैसे ये हीरे जवाहरात नहीं, सचमुच कंकड़ पत्थर हैं, और अपने को बिजनेस से अर्थात धंधे से अलग कर लिया। लेकिन ये तो उस समय की ज़रूरत थी। अब हम सब बच्चों को भी अर्थात हम सब भाई बहनों को अपने आप को पुराने धंधे और अधिक पैसा कमाने की लालसा से अपने को समेट लेना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने समेटा, ऐसे हमें उतना ही कमाना चाहिए जितनी ज़रूरत है। जमा करना और पीछे पीछे धन के दौड़ना, ये तो कौड़ियों के पीछे दौड़कर अपना अमूल्य जीवन और अमूल्य लक्ष्य को गवाना हुआ। तो समझ रहे हो ना कैसे ब्रह्मा बाप ने समेटा? ऐसे हमें भी लिमिट बांध लेना चाहिए कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी उन्नति और उपराम रहने में लगाना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने ऐसे अपने को समेट कर एक एक संबंध, चाहे वो भागीदार का हो धंधे में, चाहे वो लौकिक संबंध हो, चाहे मिलना जुलना राजाओं से महाराजाओं से धंधे के हिसाब से भी और मित्रता के हिसाब से भी, वो भी समेटने लगे। क्योंकि अब तो एक ही संबंध, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। तो बाप को ही मित्र, बाप को ही बिजनेस का भागीदार, बाप से ही हर संबंध ब्रह्मा बाप ने तुरंत जोड़ लिया। और यह कारण बना निंद्रा जीत होने का और निर्बंधन होने का। अंडरलाइन, निंद्रा जीत होने का और निर्बंधन बनकर संपूर्ण उपराम हो जाने का। एक बाप दूसरा ना कोई। तीसरी चीज है पुरानी दुनिया से उपराम होना। तो ब्रह्मा बाप ने एक एक चीज जो बार बार पुरानी दुनिया में ले जाए, ऐसे संस्कारों पर बहुत अभ्यास किया। जब बाबा को साक्षात्कार हुआ कि ये पुरानी दुनिया तो आग के गोले पर बैठी है, अर्थात विनाश ज्वाला पर बैठी है, और ये मिसाइल्स के द्वारा और बॉम्ब्स के द्वारा ये सारी दुनिया भस्मीभूत होनी है, तो बाबा ने 1936 में जब पहली बार शिव बाबा ने प्रवेश किया, अर्थात ऑलमाइटी ने प्रवेश किया, तब ये साक्षात्कार होते ही समझ लिया कि ये दुनिया खत्म होनी है। और उसके तुरंत 6 साल बाद 1942 में हिरोशिमा नागासाकी, जो ये जापान के दो शहर हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए। तो ये कितना पावरफुल संकेत इस साक्षात्कार के द्वारा बाप को मिला, और बाबा ने तुरंत पुरानी दुनिया से सारे संबंध समेट लिए। तो ऐसे हम बच्चों को अर्थात हम भाई बहनों को भी पुरानी छीछी दुनिया से जल्द अपने को समेट लेना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया तो अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, विनाश के ज्वाला पर बैठी है। आज गई कि कल गई, बस खत्म हो जानी है। तो ऐसे ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर साक्षात्कार होते ही तुरंत दृढ़ संकल्प के द्वारा कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है और हमारी नई दुनिया सतयुग गोल्डन एज आ रही है, तो अपने सारे संबंध
गोल्डन एज से जोड़ लिए। मैं कृष्ण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं सारी नई दुनिया का पहला विश्व राजन बनने वाली आत्मा हूँ। वाह, कितना नशा चढ़ता था ब्रह्मा बाप को, और ये सारे नशे ब्रह्मा बाप को नई दुनिया में ही रखते थे, और पुरानी दुनिया का नामो निशान ब्रह्मा बाप ने अपने संस्कारों से मिटा दिया। तो जितना संस्कारों से पुरानी देह भान, पुरानी दुनिया के देह के संबंध और पुरानी सारी दुनिया को जब हम समेट लेते हैं, तो हम अव्वल नंबर इस रेस में प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात फरिश्ता सुदेवता बन सकते हैं। ब्रह्मा बाप ने तो अव्वल नंबर प्राप्त किया, अब हम सब भाई बहन फर्स्ट डिवीज़न में आकर ब्रह्मा बाप की राज गद्दी को हासिल करने के अधिकारी बने। ऐसा हम सब दृढ़ संकल्प करें कि हम भी ऐसे फर्स्ट डिवीज़न अर्थात ब्रह्मा बाप जैसे अव्वल नंबर पहुंचा, ऐसे हम भी फर्स्ट डिवीज़न में आकर ही दिखाएंगे, आकर ही दिखाएंगे, आकर ही दिखाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करें तो हम भी ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करके मास्टर ब्रह्मा बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।